हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप मूवी क्लिप को कैसे एडिट कर सकते हैं अपने फेसबुक इन स्ट्रीम एड के लिए, और आप अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके उससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको मूवी को एडिट करना है, कैसे क्या करना है। यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर इसे देख रहे होंगे, सिंपली डबल क्लिक करके इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैंने मूवी ऑलरेडी उठा रखा है, तो सिंपली उसी मूवी को कैसे एडिट करना है, कैसे इसको क्या करना है कि ताकि आप कॉपीराइट से बचे रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि बीच में अगर किसी भी पार्ट को आप मिस कर देते हैं तो आपके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का मसला आ जाएगा। फिर आप हमें कमेंट पर कहेंगे कि ऐसे एडिट नहीं होता है, और जो है आप कमेंट में जो है अपना गुस्सा निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एकदम शुरू से लेकर आप लास्ट तक देखें। मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि क्या कैसे होता है, कैसे काम होता है। वीडियो को लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को पहले मैं एडिट करना सिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि क्या होता है मूवी क्लिप में, कैसे काम करना होता है, सब कुछ मैं आपको ए टू जेड बताने वाला हूं। जैसा कि यहाँ पर देखें कि मेरा ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखें, इससे में एडिट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली इसे पहले हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे देखें कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे प्लस पे डबल क्लिक करना है आपको। तो और जहाँ पे भी आपका मूवी है वहाँ से डायरेक्ट आपको जो है एक मूवी को उठा लेना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मूवी है, तो किसी एक मूवी को यहाँ पर ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप ओपन करेंगे, यहाँ पर इस मूवी वाले ऊपर में एक प्लस बटन और दिख जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर जो है कीप प्रोजेक्ट सेटिंग यहाँ पर, या फिर अपने हिसाब से आप कर लेना है। पहले हम यहाँ पे करेंगे कीप प्रोजेक्ट सेटिंग बटन पे क्लिक। यहाँ पे देखिए ये आ गया है। अब यहाँ पे एक बार राइट क्लिक कर देना है आपको, कहाँ पे करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक लेयर को और जोड़ लेना है। यहाँ पे देखिए एक वीडियो ट्रैक को हम यहाँ पे और जोड़ लेते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने एक वीडियो ट्रैक को और जोड़ लिया। अब इसको ऊपर कर देना है। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में एक कलर को लगा देना है। देखिए मैं यहाँ पे एक कलर को लगाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये लास्ट में आया है ये कलर, तो इसे डिलीट करेंगे तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखें कि ये कलर आ गया है। अब यहाँ से इसके एस्पेक्ट रेशियो को चेंज करके फेसबुक वाला एस्पेक्ट, इंस्टाग्राम वाला एस्पेक्ट रेशियो लगा देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, चेंज एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करके चेंज एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले समझ लेना आपको, यहाँ पर 1:1 एस्पेक्ट रेशियो कर देना है आपको, या फिर 90:20 × 90:20 भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। देखे यहाँ पे 1:1 यहाँ पे मैंने किया। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक 10:1080 × 1080 हो गया। अगर 90:20 × 90:20 भी करेंगे तो भी यहाँ पे इंस्टाग्राम का ही ये साइज होता है। तो हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। देखे कि अब यहाँ पर ये आ गया है। सबसे पहले कलर को जो है पूरे इस बॉक्स में फिट कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस कलर पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर जो है सिलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे मूवी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको एक क्रॉप वाला ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली यहाँ पे इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है कि ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है देखे, और यहाँ पे क्या करना है कि आपको कस्टम कर लेना है। कस्टम करने के बाद जो है, या फिर यहाँ पे आप 1:1 भी कर सकते हैं। 1:1 करेंगे तो ये इंस्टाग्राम का हो जाएगा, और सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है। देखें कि अब ये इंस्टाग्राम वाला हो गया है। अब इसे नीचे कर देना है थोड़ा सा, ताकि ऊपर में आप टेक्स्ट भी लिख सके, जो भी आप लिखना चाहें टेक्स्ट लिख सकते हैं ऊपर में भी। अब क्या करना है कि इसके अच्छा वाला पार्ट, जो भी ज़्यादा बेटर पार्ट है, अच्छा पार्ट है, उस पार्ट को आपको जो है 8 से 10 मिनट को काट करके निकाल लेना है। जैसे कि देखें कि यहाँ पे मैं किसी एक पार्ट को यहाँ पे देखें टाइमलाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से इसे पीछे करेंगे, या फिर यहाँ माइनस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। तो हम इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, ताकि कोई अच्छा पार्ट जो है इस मूवी का मैं निकाल सकूँ। जिस भी पार्ट को आप जो है यहाँ पर, यहाँ से भी आप जो है आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी ये आगे पीछे होगा। देखें मैं किसी एक पार्ट को जो है यहाँ पर आगे पीछे करके अच्छा वाला पार्ट को हम निकाल लेता हूँ, और उसके बाद बताएंगे। देखिए यहाँ से मैं जो है इस पार्ट को यहाँ से कट करके निकालूंगा। देखिए यहाँ पे प्लस बटन पे, यहाँ पे कैंची बटन है, यहाँ पे देखिए इस कैंची वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये जो है दो भाग में कट जाएगा। और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ से डिलीट कर देना है। देखिए कि यहाँ से कट हो गया है। अब देखिए कि कितना लेना है आपको, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको टाइम दिखाएगा कि यहाँ पर ये जो है 16 मिनट का हो गया है। तो इतना बड़ा नहीं लेना है हमें, छोटा लेना है, तो इसे हम टाइमलाइन को बड़ा कर देते हैं।
और मुझे लेना है 8 मिनट से 5 मिनट। यहाँ पे देखें कि ये सीन जो है स्टार्ट हुआ है, इस सीन को ख़त्म होने देना है और उसके बाद हम इसे कट करेंगे। यहाँ पहले स्टार्टिंग में ही मैं पहले कट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक मैं कट करूँगा। देखें कि ये सीन कहाँ तक जाता है, यहाँ से ये जो है 29 मिनट तक गया है। देखें फ्रेंड्स, ये सीन यहाँ तक है तो इतना सीन नहीं लेना है, कैंची पे क्लिक करेंगे कट हो जाएगा। अब देखें कि ये जो है 48 मिनट का हो गया है, तो हम जो है यहाँ से यहाँ तक वाला सीन को कट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि कितना बड़ा है। अब देखें कि यहाँ पे मैं लाता हूँ कर्सर को, तो देखें 20 मिनट का अभी भी है। हम चाहे तो इसके बीच वाले पार्ट को भी कट कर सकते हैं, या फिर यहाँ तक हम रखेंगे और इसके फालतू भाग को कट कर देंगे, क्योंकि जितना लेना है हमें यहाँ पे देखें 11 मिनट का हो गया है, तो हमें इतना ही लेना है। अब नीचे वाला यहाँ पर जो कलर है, इस कलर को स्क्रॉल करते हुए आगे खींच लेना है और इसको पूरे बैकग्राउंड में फिट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखें, मैंने इसे फिट कर दिया है। अब देखें कि इसके बैकग्राउंड में ये कलर लग गया है। अब इसके ऊपर में अगर आपको टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक लेयर और जोड़ देना है, एक ट्रैक को जोड़ेंगे। यहाँ पे ये ट्रैक आ गया और यहाँ पे देखें टाइटल्स में क्लिक कर देना है आपको। टाइटल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें कि ये टाइटल्स आ जाएगा। देखें कि यहाँ पर टाइटल आ गया है। अब यहाँ पर अगर आपको कृति देव आता है टाइपिंग करना, तो यहाँ पर हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको जो है, अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके बिना कृति देव को सीखते हुए यहाँ पे इसके ऊपर में आप टेक्स्ट को कैसे लगा सकते हैं। अभी तो आप इंग्लिश में टाइपिंग कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से यहाँ पे आपको जो भी लिखना है यहाँ पर आप लिख के ऊपर में फिट कर देना है। देखिए, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो में आपको बने रहना है। देखिए, अब क्या करना है कि इसी वीडियो के ऊपर में राइट क्लिक करना है। सबसे पहले इसका स्पीड को बढ़ा देना है। यहाँ पे स्पीड एंड ड्यूरेशन आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्पीड एंड ड्यूरेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है 1.10 कर देना है आपको। देखिए 1.10 मैंने कर दिया। देखिए यहाँ पे इतना ही करना है आपको और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको फिट करना होगा और फिट कर देंगे आप। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको फिट कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि अब इसके ऑडियो को भी एडिट करना है। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से एक बार राइट क्लिक करना है आपको और एडजस्ट ऑडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए एडजस्ट ऑडियो दिख गया है। एडजस्ट ऑडियो में आपको जाना है और यहाँ का जितने भी यहाँ पे ऑडियो का थोड़ा सा पिच को चेंज करना है। यहाँ पे देखें कि पिच 1 कर देंगे आप। यहाँ पे देखिए 1 हो गया है। यहाँ पे इक्वालाइजर को यहाँ पे क्लासिक कर देना है। यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड नॉइज करेंगे और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा ऑडियो भी एडिट हो गया है। ये सभी करने के बाद, यहाँ पे स्पीड बढ़ाने के बाद, ऑडियो को एडिट करने के बाद, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके कलर करेक्शन भी करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इसी वीडियो के ऊपर में, यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद इसके थोड़ा कलर को चेंज कर देना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देखिए इसका जो है कलर करेक्शन कर देना है। यहाँ पे कलर करेक्शन आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे कलर करेक्शन में जाना है आपको और यहाँ पे जो इसका थोड़ा सा कलर को चेंज कर देना है। यहाँ पे देखिए ढेर सारा यहाँ पे कलर का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। जो भी कलर इस वीडियो के ऊपर में फिट होता है उसी कलर को यहाँ पे फिट करना है। यहाँ पे देखिए कि ज़्यादा ऐसा ना फिट करे कि इसका वीडियो का इफेक्ट ही खराब हो जाए। यहाँ पर मैं वार्म को यहाँ पर फिट करने वाला हूँ। वार्म को फिट करेंगे, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो का कलर जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब इतना ही करना होता है मूवी क्लिप एडिटिंग में और इसको जो है आप अपने फेसबुक पेज पे रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल को मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे टाइटल को एडवांस बटन में जाना है। टाइटल भी आप एडिट कर सकते हैं। टाइटल कैसे एडिट करना है कि यहाँ पे पहले मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। A few moments later, जैसे कि देखें मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। और क्या करना है कि यहाँ पे जो है इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे जो है टेक्स्ट बॉर्डर भी लगा सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। हम यहाँ पे ब्लैक वाला बॉर्डर लगा देते हैं और इसका साइज को भी यहाँ पे चाहे तो बढ़ा सकते हैं, शेडो भी लगा सकते हैं। तो इतना करने के बाद जो है इसका आप जो है इंक्रीज भी कर सकते हैं इसके साइज को। साइज अगर इंक्रीज नहीं होता है तो यहाँ पे आपको जो है इसे बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाना है कि यहाँ पे मैं 200 करूँगा। पहले देखिए 200 मैंने कर दिया है। अब जो है इसके साइज को मैं खींचूँगा तो यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, तो फिर से एक बार मैं यहाँ पे 200 करूँगा और एंटर को प्रेस करूँगा तो देखे थोड़ा सा बढ़ा है। फिर से एक बार इसको मैं देखे, अब ये काम कर रहा है कि इस तरह से स्क्रॉल करते हुए इसे बड़ा कर देना। देखे कि अब ये हमारा मूवी क्लिप कम्प्लीटली एडिट हो गया है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखे कि यहाँ पर भी ओके कर देना है। यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन सबसे ऊपर में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर
बस इस एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं सेव टू यहाँ पे दिया गया है। देखिए कि यहाँ पे सेव टू दिया गया है, जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस फोल्डर को। यहाँ पे इसके नेम को टाइप करेंगे, यहाँ पे रिजोल्यूशन आप देख ले, साइज इसके देख ले आप जो है कितना एमबी का होने वाला है। यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए जो यहाँ पे किया हूँ, यहाँ पे देखें कि ये हमारा जो है सेकेंड में आ गया है, ये मूवी जो है यहाँ पे सेकेंड में आ गया है, 10 सेकेंड का ही ये वीडियो है। तो सेकेंड पे आपको नहीं जाना है, आप जो है यहाँ पे मुझे टाइमिंग जो है यहाँ पे देखने में जो यहाँ पे देखे ये ऐसा लग रहा है कि ये 5 मिनट है, लेकिन ये मिनट नहीं है, ये सेकेंड है। मैं एक बार जो है 10 सेकेंड का ही है, लेकिन आपको क्या करना है कि इसे बड़ा कर लेना है और अपने हिसाब से जो है इसे अब ऐसा हो जाए तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे माउस को रखना है। यहाँ पे देखे माउस को जैसे रखता हूँ ये इसे हम बढ़ा भी सकते हैं। देखिए अब ये 1 मिनट का हो गया है, अब हम चाहे तो इसे 10 मिनट का भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसे हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, देखिए कि यहाँ पे मैंने और बढ़ाया है, अब जो है ये 10 मिनट का हो गया है। फिर से इसके बैकग्राउंड में इस कलर को लगाना, सब कुछ वैसा ही छोड़ देना है, सब कुछ एडिटिंग मैंने तभी ही कर लिया था। देखिए कि अब ये हमारा वीडियो 10 मिनट का हो गया है। अब एक्सपोर्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाएगा 10 मिनट, यहाँ पे देखें 9 मिनट अब दिखा रहा है, और यहाँ पे MB भी देख सकते हैं, साइज भी आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए एक्सपोर्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए कि मैंने एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर दिया, अब जो है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है मैं इसे फेसबुक पेज पर अपलोड कर सकता हूँ और इसे वायरल भी कर सकता हूँ शेयरिंग सेटअप में, इसे जो है शेयरिंग करके। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह का इनस्ट्रीम एड से रिलेटेड, यूट्यूब एड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। तो मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।